हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल चौहान और आप देख रहे हैं दी माउंट मसल। तो लास्ट वीडियो पर मुझे एक कमेंट आया था प्रोग्रेसिव ओवरलोड से रिलेटेड, उसको बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है और इससे रिलेटेड जो भी मिथ है उन सभी को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि पहले सेट में जो वेट उठाया और नेक्स्ट सेट में जो वेट उठा रहे उसको बढ़ाकर करना, इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है जो स्ट्रेस आज आप मसल को दे रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब ट्रेन करो तो उससे ज़्यादा स्ट्रेस दो। और ये स्ट्रेस काफ़ी सारे तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ाकर, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाकर, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बढ़ाकर, रेस्ट पीरियड को कम करके, टेम्पो को स्लो करके और वेट को बढ़ाकर। सो ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे स्ट्रेस को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाया जा सकता है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाने का इजी वे है, जो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वेट को बढ़ाना। जैसे कि आज आप 2.5 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल करते हो, नेक्स्ट टाइम आपको 5 kg के डंबल से बाइसेप कर्ल करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी मसल पर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ जाएगा क्योंकि आपने वेट भी बढ़ाया है। दूसरा तरीका है नंबर्स ऑफ रेपिटेशन बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी पर्टिकुलर वेट से 12 रेपिटेशन निकाल रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज में, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेन करो तो 12 की जगह 13 रेपिटेशन निकालो, 14 रेपिटेशन निकालो। इससे होगा क्या कि मसल ज़्यादा मेहनत करेगी, मसल पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी बढ़ेगा। तीसरा तरीका है नंबर्स ऑफ सेट्स बढ़ाना, यानी कि आप सेम एक्सरसाइज करनी है, सेम वेट से करनी है, सेम रेपिटेशन लगानी है, लेकिन नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा देने हैं। आज आपने 3 सेट्स किए तो नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो आपको 4 सेट्स करने हैं, तो इससे मसल पर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ जाएगा और वो स्ट्रेस बढ़ना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहलाता है। और इसी तरीके से आप नंबर्स ऑफ एक्सरसाइजेस भी बढ़ा सकते हैं। आज आप 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम करो तो आपको 5 एक्सरसाइज करनी है। नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बढ़ने से आपका मसल स्ट्रेस भी बढ़ेगा और यही बढ़ा हुआ स्ट्रेस को हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। नेक्स्ट तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाने का, टेम्पो के साथ खेलना, यानी कि टेम्पो को स्लो करना, जो मैं अक्सर करता हूँ अपनी डंबल चेस्ट प्रेस एक्सरसाइजेज में। तो किस तरीके से टेम्पो के साथ स्ट्रेस को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मैं 30 के डंबल से 12 रेपिटेशन करता हूँ तो मुझे लगता है कि 12 रेपिटेशन मेरे लिए इजी है 30 के डंबल से, तो मैं डायरेक्ट 30 के बाद 40 पर जंप नहीं कर सकता क्योंकि 30 के बाद यहाँ पर 40 के डंबल ही है, 30 के बाद मैं 32 या फिर 35 पर जंप करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टेम्पो को स्लो कर देता हूँ। स्लो करने से ऑटोमेटिकली ही मसल पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, तो यह स्ट्रेस बढ़ना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। या फिर आप सेट्स के बीच का रेस्ट पीरियड भी कम कर सकते हैं। पहले आप एक मिनट का गैप लेते थे, अब आपको 45 सेकंड्स का गैप लेना है। इससे क्या होगा कि मसल को रिकवरी होने में ज़्यादा टाइम मिल रहा था, अब तुरंत ही मसल पर स्ट्रेस पड़ रहा है कम टाइम में ही, इससे मसल का स्ट्रेस भी बढ़ा तो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी बढ़ा। तो ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाया जा सकता है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से होता क्या है, तो देखिए, जब भी आप सेम स्ट्रेस सेम वेट के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो मसल यूज टू हो जाती है उस स्ट्रेस के साथ, तो आपको स्ट्रेस बढ़ाना ही पड़ेगा जिससे आपकी मसल ग्रो कर पाए। और वो ग्रो किस तरीके से भी हो सकता है, चाहे वो ग्रो आपकी स्ट्रेंथ में हो, आपकी मसल साइज में हो, या फिर आपकी मसल हाइपोट्रोफी बढ़े, आपकी मसल एंड्योरेंस बढ़े, तो ये सभी प्रोग्रेस है और उसी प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए मसल पर स्ट्रेस बढ़ाना भी ज़रूरी है। और लास्ट वीडियो पर जो कमेंट आया था तो पहले उसको डिस्कस कर लेते। तो वो कमेंट था कि लोग बोलते हैं कि हर वीक वेट बढ़ाना चाहिए और इसी तरीके से वेट बढ़ाते रहे तो किसी दिन हम 1000 kg लिफ्ट करने लग जाएंगे। वीकली बेसिस पर वेट बढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है, जो बढ़ाना चाहिए वो है मसल स्ट्रेस। अगर आपको ग्रो करना है किसी भी वे में, स्ट्रेंथ वाइज, एंडोरेंस वाइज, या फिर आपको हाइपोट्रॉफी अचीव करनी है, तो आपको मसल स्ट्रेस बढ़ाना ही पड़ेगा। और वो स्ट्रेस किसी भी तरीके से हो सकता है जो हमने अभी बताया, यानी कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ज़रूरी है। और वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे आप वेट बढ़ाकर करें या फिर जैसे कि बताया नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ाकर, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाकर, रेस्ट पीरियड को कम करके, ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप स्ट्रेस को बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन वेट को बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वेट को, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप वीकली बेसिस पर वेट को बढ़ा सको। लेकिन वीकली बेसिस पर स्ट्रेस को बढ़ा सकते हो, यानी कि आप छोटा सा वेट बढ़ा सकते हो, छोटा सा रेपिटेशन एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, छोटा सा रेस्ट पीरियड कम कर सकते हो, या फिर छोटा सा
छोटा सा टाइम को स्लो कर सकते हो। तो इन सभी तरीकों के साथ आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को कर सकते हैं, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना भी जरूरी है जिससे आपकी मसल ग्रो होगी। सो वीकली बेसिस पर वेट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी बातों में ना आए। सो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वंदे मातरम।